morning students. आज ये जो हमारी लॉकडाउन की सिचुएशन है, इसकी वजह से आज हमें ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ रही है। तो इस ऑनलाइन स्टडी में हम आज सेवेंथ स्टैंडर्ड का इंग्लिश का सेमेस्टर वन का सबसे पहला लेसन लेने जा रहे हैं। सेमेस्टर वन की इंग्लिश की बुक किताब कुछ इस तरह की आपको देखने मिलेगी। अगर आपके पास पुराने स्टूडेंट्स का कोई नंबर है तो आप उनके पास
मैगजीन्स में वगैरह में छपा कर लोगों तक पहुँचाना, तो उसे पब्लिश कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी पहली पोएम पब्लिश कर दी जब वो 16 साल के थे। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, स्टार्टेड टू राइट पोएट्री व्हेन ही वाज 8 ईयर्स ओल्ड, लिखना कब शुरू किया जब वो 8 साल के थे। पब्लिश हिज फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ 16, लेकिन जब 16 साल के हुए तब उन्होंने अपनी पहली पोएम को पब्लिश किया। फॉर दिस फर्स्ट नेम टैगोर डिड नॉट यूज हिज रियल नेम, लेकिन पहली बार जब उन्होंने ये पोएम पब्लिश की तो हम देखते हैं कि पोएम के नीचे अक्सर राइटर का या पोएट का नाम होता है, लेकिन उन्होंने ये जो नाम लिखना था वहाँ पे अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं किया था। अक्सर राइटर लोग ऐसा करते हैं, पोएट काफ़ी बार ऐसा करते हैं कि अपने खुद के नाम से पोएम पब्लिश नहीं करते हैं, कोई एक पेट नेम जैसा रखते हैं, जैसे कि आपके घर पे बहुत सारे नाम होते हैं ना छोटू पीटू, उसी तरह के वो लोग भी अपने एक पेट नेम रखते हैं जिन्हें पेन नेम इंग्लिश में कहा जाता है। तो उन्होंने भी रियल नेम से अपनी पोयम नहीं लिखी थी, ही यूज्ड अ पेन नेम, उन्होंने पेन नेम का इस्तेमाल किया था। पेन नेम यानी राइटर, हिंदी में उपनाम कहते हैं इसे, यानी राइटर जो अपने अपनी कहानियाँ अपना असली नाम बिना इस्तेमाल किए लिखते हैं और कोई और नाम इस्तेमाल करते हैं अपने नाम की जगह, तो उसे पेन नेम कहते हैं। उन्होंने जो पेन नेम का इस्तेमाल किया था उसका इंग्लिश मीनिंग, उसका मीनिंग क्या होता है, सन लायन। तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। एक बार फिर से मेन मेन पॉइंट देख लीजिए, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ही वाज बोर्न इन कोलकाता में 1861, ही रॉट इंडियाज नेशनल एंथम, ही वॉन अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1930, ही स्टार्टेड टू राइट पोएट्री व्हेन ही वाज 8 इयर्स ओल्ड एंड ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम व्हेन ही वाज 16 इयर्स ओल्ड। He used the pen name for his first poem. And what was the meaning of his pen name? Sun Lion. चलिए एक्टिविटी वन अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता एक्टिविटी वन में कोई हार्ड वर्क था। फिर भी अगर आपको कुछ लगे कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिएगा, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए दूसरी एक्टिविटी देखेंगे, यहाँ पे एक पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर।
नहीं रखना है। Where the ball
भी वहां है वो कभी रुकना नहीं चाहिए और कभी भी रेडी रेडी यानी चीयरलेस चीयरलेस यानी बिल्कुल बेजान बेजान डेजर्ट में हमारे लिए जो रीजंस है वो कहीं खो नहीं जाने चाहिए और हमें डेड हैबिट्स को फॉलो नहीं करना है। हमें सदियों से चली आ रही रीति रिवाज को फॉलो नहीं करना है, उनके पीछे छिपे हुए रीजंस को फॉलो करना है। यहाँ पे उपवास करने का रीजन था कि एक दिन आप नहीं खाओ हेल्दी रहो, तो ये आपको फॉलो करना है, ये नहीं कि धर्म में लिखा इसलिए मुझे आज फास्ट करना है। तो इस तरह के रीजंस आपको निकालने हैं और उस रीजंस को आपको फॉलो करना है। और